हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ हम कंप्यूटर की इस वीडियो क्लास में। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का, डियर फ्रेंड्स मैं हूँ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ओम कंप्यूटर्स द मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स एंड मोबाइल ट्रेनिंग एंड सॉल्यूशन। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है, डियर फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से अपने फेसबुक पर डियर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड लिस्ट को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे फ्रेंड लिस्ट को चेक ना कर सके या हमारे बारे में ज्यादा पर्सनल डिटेल ना प्राप्त कर सके। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे किस तरह से अपने फेसबुक अकाउंट पर जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है उसे किस तरह से हाइड कर सकते हैं, किस तरह से अपने दोस्तों की लिस्ट को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति इस तरह से देख लीजिए, जो भी व्यक्ति मतलब फेसबुक पर किसी को सर्च करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले से सर्च करने के बाद डियर फ्रेंड्स एक्चुअली करते क्या है कि उसके फ्रेंड्स को देखते हैं कि कौन कौन उसके फ्रेंड्स हैं, कौन कौन उसकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं। तो डियर फ्रेंड्स स्पेशली लड़कियों के लिए, डियर फ्रेंड्स लड़कियों को फेसबुक आईडी पर जाने के बाद लोग देखना चाहते हैं कि मतलब उनके फ्रेंड कौन है, कौन कौन उनसे जुड़ा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स इससे बहुत ही सिक्योरिटी के लिए, बचाव के लिए, यहाँ पर अपने फ्रेंड लिस्ट को छुपाने के लिए डियर फ्रेंड्स स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए ये जरूरी है कि किस तरह से अपने फेसबुक पर अपने फ्रेंड लिस्ट को हाइड करें। ऐसी एक सेटिंग है डियर फ्रेंड जिसे मैं आप बता रहा हूँ, आपको बहुत ही काम की है डियर फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए डियर फ्रेंड, तो फेसबुक आईडी, आपको अपनी फेसबुक आईडी पर जाना है डियर फ्रेंड्स, और ध्यान रहे डियर फ्रेंड्स यदि आप मोबाइल पर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और एप्लीकेशन पर यदि आप चाहें कि ये सेटिंग कर लें तो वो एप्लीकेशन से नहीं हो पाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये तो अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप मोबाइल पर ओपेरा मिनी का यूज कीजिए या फिर कंप्यूटर पर ओपेरा मिनी के माध्यम से आप इसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्रोम में करके दिखा रहा हूं डियर फ्रेंड्स, कहां पे जाना है, कैसे क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स फेसबुक पर आपको अपनी प्रोफाइल को खोलना है डियर फ्रेंड्स। प्रोफाइल को खोलने के लिए डियर फ्रेंड, ओपन करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप अपने नाम के ऊपर जाकर क्लिक कर दें और आपका प्रोफाइल उस तरह से ओपन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। प्रोफाइल होने के बाद डियर फ्रेंड्स आपको ये देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फ्रेंड्स पे चले जाना है, मित्र। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस तरह से अपने फ्रेंड्स पर चले जाएं और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड पर जाने के बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गोपनीयता ये देख लीजिए, ये मित्र अनुरोध 78 के बाद यहाँ पे मित्र को ढूंढे और उसके साइड में देख लीजिए राइट हैंड साइड पे आपको गोपनीयता संपादित करें ये करके ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आप इंग्लिश में आपका फेसबुक है तो इंग्लिश में भी इस स्थान पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गोपनीयता संपादित करें इस तरह पर, यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है डियर फ्रेंड्स। चलिए क्लिक कर देते हैं और डियर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद ही देख लीजिए आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो गया डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गोपनीयता संपादित करें मित्र सूची, इसमें स्पष्ट लिखा है डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी जो यदि लिखा होगा तो उसका मतलब आप देख लीजिए, यहाँ पे पहले नंबर पर ही ऑप्शन दिया है कि याद रखें कि आपके मित्र नियंत्रित करते हैं कि उनकी टाइमलाइन पर उनकी मित्रता को कौन कौन देख सके, अगर लोग किसी अन्य टाइमलाइन पर आपकी मित्रता देख सकते हैं तो वे उसे समाचार फीड खोज और फेसबुक पर अन्य स्थानों में देख पाएंगे, अगर आप इसे केवल मैं पर सेट करेंगे तो केवल आप ही अपनी टाइमलाइन पर अपनी पूरी मित्र सूची देख पाएंगे, अन्य लोग को केवल आपसे मित्र दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए आपका यदि सार्वजनिक लिखा हुआ है तो यहाँ पर केवल मैं को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यदि इंग्लिश में सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो ओनली मी सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर सहेज लेना है डियर फ्रेंड्स, और उसके बाद पूर्ण पर यहाँ पर क्लिक कर देना है या सेव पर क्लिक कर देना है डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से केवल मैं सिलेक्ट करें यहाँ पर, तो इससे होगा क्या कि सिर्फ जो भी आपके मित्र की सूची है वो सिर्फ आप ही देख सकेंगे और कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं देख पाएगा, चाहे वो कितने भी ज्यादा सर्चिंग कर ले उसे आपके मित्र दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से फेसबुक के मित्रों को आप छुपा सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख सकता, और इस तरह से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ हम कंप्यूटर की इस वीडियो क्लास में। डियर फ्रेंड्स मैं हूँ धर्मेंद्र और आज देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स ओम कंप्यूटर द मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स एंड मोबाइल सॉल्यूशन एंड ट्रेनिंग। डियर फ्रेंड्स आज की वीडियो का विषय डियर फ्रेंड्स आज के समय में डियर फ्रेंड्स सबसे पहली बात फेसबुक हर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी व्यक्ति हो। आज फेसबुक हर किसी का फेसबुक पर अकाउंट है और हर कोई व्यक्ति फेसबुक यूज कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स फेसबुक से जुड़ी ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है डियर फ्रेंड्स। तो आज के समय में डियर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप भी केयरफुल फेसबुक को लेकर भी काफ़ी आपको सावधानी बरतनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। वो क्या है, कुछ सेटिंग्स भी ऐसी हैं डियर फ्रेंड्स जिन्हें फेसबुक पर करना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी वीडियो है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से पूरा आखिरी तक देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या है वो सेटिंग्स फेसबुक पर जो कि बहुत ही जरूरी है। डियर फ्रेंड्स ये जो सेटिंग बताने जा रहा हूँ बहुत ही कम लोग इन सेटिंग्स को डियर फ्रेंड जानते होंगे, बहुत ही कम लोगों को ये सेटिंग्स पता होंगी। तो ध्यान से पूरा देखिएगा डियर फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट पर जाना है, देख लीजिए चले जाते हैं डियर फ्रेंड फेसबुक अकाउंट पर चले जाते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक अकाउंट पर जाने के बाद देख लीजिए डियर फ्रेंड्स ये होम पे चले जाना है। डियर फ्रेंड सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपकी वॉल पे आपकी फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल पर कई लोग टैगिंग कर देते हैं फोटो को जो कि अनवांटेड टाइप्स कुछ भी इमेज वगैरह या फोटोज वगैरह किसी की भी मतलब टैगिंग कर दी जाती है डियर फ्रेंड, जिससे आपको काफ़ी परेशानी होती है। तो अब आगे से ऐसा आपके साथ नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, आपको देख लीजिए क्या सेटिंग करनी है इस टैगिंग से बचने के लिए। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखना है अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन, तो देख लीजिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चला जाता हूँ यहाँ पे देख लेता हूँ, या फिर यहाँ पे देख लीजिए डियर फ्रेंड्स अकाउंट सेटिंग्स, ये सेटिंग्स पे चले जाइए डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स सेटिंग पर जाने के बाद या अकाउंट सेटिंग पर जाने के बाद आप चाहे मोबाइल पे हो या फिर कंप्यूटर पीसी पर हो, आपको जाना है टाइमलाइन और टैगिंग पर। इस ऑप्शन पर जाएं डियर फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इसे हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ टाइमलाइन टैगिंग डियर फ्रेंड्स, इस तरह से इसे क्लिक करके चले जाएंगे। और इसके बाद डियर फ्रेंड्स ये जो आपके सामने विंडो खुलेगा देख लीजिए आप यहाँ पे दिख रहा है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पर केवल मैं लिख करके आपको इसे इस ऑप्शन को ऑन कर देना है डियर फ्रेंड्स। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस ऑप्शन का नाम क्या है, देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा है अपनी टाइमलाइन पर कौन पोस्ट कर सकता है केवल मैं डियर फ्रेंड्स, आपकी टाइमलाइन पर अन्य लोग क्या पोस्ट कर सकते हैं कौन देख सकता है। तो डियर फ्रेंड्स इस पर भी केवल मैं करके संपादित कर दें, संपादित या ऑन कर दें। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार सेटिंग कर सकते हैं और जिन चीज़ों से भी आप बचना चाहते हैं यहाँ पर आप केवल मैं सिलेक्ट करके संपादित कर लेना है या उस सेटिंग को ऑन कर लेना है डियर फ्रेंड्स। और इस तरह से सेटिंग करने के बाद इसे आप बैक कर सकते हैं और फिर आपका आपको कोई भी किसी प्रकार की टैगिंग नहीं कर सकेगा। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं डियर फ्रेंड्स जो अपना फोन नंबर फेसबुक पर नहीं डालते और अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसे में होता है क्या डियर फ्रेंड्स, जब कभी हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड को रिकवर करना बहुत ही कठिन हो जाता है और उस स्थिति में अपना अकाउंट मतलब लॉ अकाउंट मतलब खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। डियर फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर डालना चाहिए और डालना बहुत जरूरी भी है, इससे आप आसानी से पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स फोन नंबर किसी और को दिखाई ना दे इसके लिए भी आपके पास सेटिंग है, चलिए देख लेते हैं कैसे आप उस सेटिंग को कर सकते हैं जिससे आपका मोबाइल नंबर किसी को भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ फेसबुक पे रहेगा। इससे होगा क्या कि आप अपने आसानी से पासवर्ड रिकवर कर सकेंगे जब कभी भूल भी जाएंगे तो, और आसानी से सारे काम आप कर सकते हैं ठीक है डियर फ्रेंड्स, और नंबर किसी को सो नहीं होगा। तो ये सेटिंग कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, आप अपने प्रोफाइल पे जाना है और अबाउट या परिचय टैब पर चले जाइए डियर फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर ये लीजिए क्लिक कर देना है और फिर नीचे आ जाइए डियर फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट पर आ जाइए या संपर्क और मूलभूत जानकारी या कॉन्टैक्ट पर आ जाइए डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर ये देख लीजिए मैंने डाला हुआ पहले से, अगर आपने नहीं डाला हुआ तो डालकर यहाँ पर से इसे वेरीफाई कर लें डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप नंबर डाल सकते हैं फेसबुक पर डियर फ्रेंड ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे नंबर पर देख लीजिए डियर फ्रेंड लॉक शो हो रहा, केवल मैं यहाँ पे मैंने सेट किया है इस कारण से डियर फ्रेंड्स सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और कोई व्यक्ति मेरा नंबर नहीं देख सकेगा। हाय डियर फ्रेंड्स अगली सेटिंग आती है डियर फ्रेंड्स ईमेल रिकवरी की, जिसके माध्यम से आप आसानी से कभी भी पासवर्ड आप भूल जाते तो आसानी से ईमेल के माध्यम से आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। उसके लिए आपको आना है सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग पे आ जाए डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे उसके बाद डियर फ्रेंड जनरल सेटिंग पे यहाँ पे चले जाए डियर फ्रेंड्स, जनरल सेटिंग पर क्लिक करते ही डियर फ्रेंड्स इस तरह से देख लीजिए मैंने सामान पे क्लिक किया है और उसके क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा आपको